नमस्कार दोस्तों, मछली विलेट रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देखिए आम ले हूँ, आम का छिलका उतार रही हूँ। तो इन सब का हमने जो फूटा हुआ आम था, इसका खटाई इस तरह से छोड़कर धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा तो खराब नहीं होगा। और जो अच्छा अच्छा आम है उसे हम अलग करके रखे हैं, उसी के हम बनाएंगे रेसिपी। अच्छा मीठा अचार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं, तभी आम का हम जो रखे हुए हैं ऐसे बनाएंगे। ये अचार इस तरह से बनाएंगे, अब इस तरह से मैं बनाऊंगी तो एक साल भर खराब नहीं होता है अचार। हमने एक बार से धोकर साफ कर लिया था पानी से, जिससे उसमें मिट्टी लगी हुई साफ हो गया है। इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बचा हुआ इसका छिलका उतार लेती हूँ। आम का छिलका हमने उतार लिया है, अब इससे हम पानी के साय से हम काटेंगे। छोटा बड़ा जितना काटना चाहे काट सकते हैं। अचार जो है बड़ा साइज में काटते हैं, छोटा साइज में काटते हैं। इस तरह से हम काटेंगे, इसे चार टुकड़े में करेंगे। हम फरनी के साइज से काट रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही हम चार टुकड़े करेंगे, क्योंकि हम एक खट्टा मीठा तीखा अचार बनाएंगे। देखिए ज्यादा बड़ा है, और छोटा कर देती हूँ। इसका छिलका जो है उतार के बनाया जाता है, मगर छिलके वाला अचार खट्टा मीठा नहीं बनाया जाता है। ऐसे हम उसे काट लेते हैं, टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। आम को हमने काट लिया, टुकड़े टुकड़े काट लिया, इसका बीज हम निकाल देते हैं। बीज निकालेंगे, इसे हम धोएंगे। यहाँ पे पानी लिए हुए हैं, पानी धोकर धूप में डालेंगे। पहले बीज को निकाल लेते हैं। तो हमने इतना सारा निकाला हुआ, थोड़ा सा बाकी है, इसका भी निकाल लेते हैं। तो बीज निकाल के तभी बनाया जाता है अचार, बीज रहता है तो अचार नहीं बनाया जाता है। तो हम सब पानी लिए हैं, पानी से धोकर साफ कर लेते हैं, जिसमें धुली मिट्टी लगी हुई साफ हो जाएगा। अच्छी तरह से हम गलिए में रख देते हैं, जो पानी इसका पानी होगा वो भी निकल कर नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे हम पपड़ा फैलाए हुए हैं खाट पे, इसको डाल देंगे धूप में सुखाए गए। और हम पूरा इस तरह से फैला देते हैं, तो एक एक करके फिर फैलाएंगे। तो इस तरह से हम फैला लेते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसका पानी जो है जितना ही अच्छा से पानी सूखा रहेगा, अचार उतना ही हमारा खराब नहीं होगा। क्योंकि ये आम गीरा हुआ है, गीरे आम को बना रही हूँ। इस तरह से हम पानी इसका सुखवा देंगे, कड़ी धूप में अच्छे सूख जाएगा, अचार खराब नहीं होगा और चलेगा ज्यादा। ऐसे ही धूप में रख देते हैं फैलाकर सूखने के लिए। तो एक दिन मैंने कड़ी धूप में सुखाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आम गीरा हुआ था इसलिए हमें ज्यादा सुखाया हुआ है, सूख चुका है। इसके हमने बीच में जो रेशे होते हैं इस तरह से देखिए निकाला हुआ है, देखिए इतना सारा निकला हुआ है। इस तरह से बीच में देखिए थोड़ा सा बचा है, इसमें देखिए ऐसे ही निकलता है। इसे निकाल देंगे तो अचार अच्छा रहेगा, ऐसे में रहेगा तो अचार अच्छा लगता है खाने में, मुँह में चिपकता है। इसे निकाल देंगे तो वहां से हम नमक लिए हैं, नमक को मिला देती हूँ। फिर थोड़ा ही मैं बना रही हूँ, ज्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा नमक भी डाल रही हूँ। नमक हम डाल दें, इसमें डाल देंगे हल्दी, लगभग एक चम्मच डालेंगे हल्दी। और नमक अच्छे से मिला लेती हूँ, मिलाने के वैसे हम निमकाएंगे। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम निमका कर इसमें रखेंगे। तो ये आम होता है इस तरह से नमक और हल्दी मिला कर रख देंगे तो ये गल जाएगा, नमक भी गल जाएगा कुछ आध दिन में। यहाँ पर हम डब्बा लिए हैं, डब्बे में भर के इस तरह से हम रख देती हूँ। सभी अचार को हमने इस डब्बे में भर दिया है, ऐसे ही भर कर हम एक इसे हम दो चार दिन के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। आप चाहे धूप में रख सकते हैं, छांव भी रख सकते हैं, ऐसे हम रख देंगे तो ये अचार अच्छे से गल जाएगा और नमक जो है एकदम गल के एकदम से अचार फूल जाएगा, काफी अच्छा होगा। तो उसके बाद हम बनाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे। पहले हम ऐसे ही निमका कर रख देती हूँ ढक्कन लगा के, चार पांच दिन के बाद हम फिर आप सबको दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। तो एक हफ्ता बीत चुका है, जो अचार हमने निकाला हुआ था आप सबको दिखा देते हैं। ये देखिए पूरी तरह से गल चुका है, सब देख सकते हैं। इसमें देखिए अचार हमारा गल चुका है, इसमें पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमने सुखवाया हुआ था, लेकिन अचार गला हुआ है। आप सबको हम दिखा देते हैं, ये देखिए देखिए एकदम गीला गीला हो गया है। ऐसे हम बनाएंगे, पहले डब्बे को ऐसे रख देते हैं। और यहाँ हम लिए हैं मसाला, आप सबको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ हमने साबुत धनिया लिया हुआ है, लगभग 100 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम साबुत सौंफ है, और 2 चम्मच करीब हमने जीरा लिया हुआ है। इन सबको हम पहले भूनेंगे, चूल्हे में आग जला के भून लेते हैं। और यहाँ पे हमने गुड़ लिया हुआ है, लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, क्योंकि हमारा आम जो है 20-25 आम था, 20-25 का आम बनाएंगे तो हम इसमें 200 ग्राम गुड़ डालेंगे। तो इसे हम गुड़ को गलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ढोका ढोका है, गलेगा नहीं जल्दी, थोड़ा सा गला लेंगे तो अच्छे से गल जाएंगे। पहले हम मसाले को भून लेती हूँ, चूल्हे में आग जला लेती हूँ।
आग को हमने जला दिया है, चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल के सारे मसाले, मसाले को हम भून लेते हैं, एक साथ हम थोड़ा डाल के भूनेंगे, ज़्यादा तेज आँच में नहीं, धीमे धीमे आँच में इसे भूनेंगे। अभी हाथों से भूनना है हमें, इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाला जो है भून के मसाला अचार में डाला जाता है तो काफ़ी टेस्टी होता है। इसी तरह से हम भून लेती हूँ, पहले मसाले को भून लेंगे, डाल सबको दिखाते हैं। तो मसाला हमारा भून चुका है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी सारे मसाले को हम निकाल देते हैं। ना ही ज़्यादा भूनेंगे ना ही कम भूनेंगे, इस तरह सबके भूनना है। ऐसे में डाल देते हैं गुड़, गुड़ को थोड़ा हल्का सा गला लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से गुड़ हमारा गल जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। इसे हम चढ़ाते हुए गला लेते हैं गुड़ को, तो देख सकते हैं गुड़ हमारा गलना स्टार्ट हो गया है, अभी ये गल जाएगा पूरी तरह से। इधर मसाला भी हमारा ठंडा हो रहा है, इधर देखिए गुड़ भी हमारा गलना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा बचा है, इस तरह से गल जाएगा। और जो इसमें पानी थोड़ा का डाला हुआ था, पक भी जाएगा पानी, गुड़ भी गल जाएगा। तो देख सकते हैं गुड़ हमारा गल चुका है पूरी तरह से। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं, आग हमें ज़्यादा नहीं लगाया हुआ था, बस हल्का से आँच में, देखिए गुड़ अचानक से गल जाता है। अब इसे हम नीचे उतार देती हूँ, और जो मसाला हमने भुना हुआ था इसे हम सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेते हैं, ज़्यादा महीन नहीं पीसे, दरदरा ही पीस लेते हैं, फिर आप सबको हम दिखाते हैं। इधर हमने मसाला मसाले को देख सकते हैं, हमने दरदरा कूट लिया है। तो यहाँ पे देखिए साबुत लाल मिर्चा हमने इसे भी कूट लिया है, कूट के रखा हुआ था पहले से ही, इसमें हम मिर्चा भी डालेंगे। और यहाँ पे गुड़ भी हमारा ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अचार जो हम कढ़ाई में ही एक साथ डालकर अच्छे से मिला लेते हैं, तो अचार को हम इसी कढ़ाई में पलट देते हैं। अब इसी में सारे मसाले को, मिर्चा सब डाल देते हैं एक साथ। यहाँ पर सरसों का तेल लिया हुआ है, इसे भी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि मीठा खट्टा मीठा अचार है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगा डाला जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है। अचार तेल सभी सामग्री को हम एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। पहले हम कंचुल के सहारे से मिलाएंगे, क्योंकि इसे मिर्चा है, हाथ में हम लगाएंगे तो हाथ हमारा परपराएगा। अच्छी तरह से हम इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ, जितना ये हम मिलाएँगे ये अचार अच्छे से भिन जाए, क्योंकि अचार हमारा गल चुका है, बहुत ही अच्छे से गला हुआ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है हमने निमकाया हुआ है इसे, किसी कारण बस हम नहीं बना पाए थे, आज मैं बना रही हूँ। अब ये देखिए मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा से अचार हमारा बन के रेडी हो गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है दोस्तों। पहले बहुत तेज एक खट्टा मीठा अचार मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत खाती थी, ऐसे खट्टा थोड़ा सा खट्टा रहता, मीठा रहता, थोड़ा तीखा रहता है, चटपटा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ऐसे ही देखिए खट्टा मीठा आप लोग अचार बनाकर इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगा इस तरह से बनाएंगे तो। तो मैं तो बनाती हूँ, हर साल ही बनाती हूँ, तो थोड़ा ही बना रही हूँ अभी, नहीं तो और भी ज़्यादा बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने बना लिया है बच्चों को खाने के लिए इस तरह से। तो अचार को देख सकते हैं हमने सारी मसाला और तेल मिर्चा अधिकतर सब कुछ को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है, मैंने कंचुल के सहारे से ही मिक्स किया हुआ है। देखिए हमारा खट्टा मीठा अचार बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर डिब्बे में भरेंगे, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल हम डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, और डब्बे में चारों तरफ से फैला देते हैं, क्योंकि हमने इसमें निमकाते हुए तेल नहीं डाला हुआ था, केवल हल्दी नमक और आम डाल कर अच्छे से निमकाया हुआ था। तेल को इस तरह से डब्बे इस तरह से फैला देते हैं, अचार तरह से रखेंगे तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आप इसी चीनी मिट्टी के भी बर्तन में रख सकते हैं, कांच के डिब्बे में रख सकते हैं, तो मैं यहाँ प्लास्टिक के डिब्बे में रख लेंगे रही हूँ, इसमें भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से बना के रखेंगे तो आप साल दो साल बना के इस तरह से खा सकते हैं, जिस तरह से आम का अचार बनाते हैं साल दो साल ख़राब नहीं होता बना कर, इस तरह से ये भी बना कर रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। आप खाइए, और जब भी निकालिए तो सूखे हाथ से निकालिए, चम्मच से निकालिए, इसी तरह से निकाल कर खाइएगा, काफ़ी टेस्टी होता है अचार, इस तरह से बनाकर खाएंगे खट्टा मीठा और तीखा, बहुत ही चटपटा अचार बन कर रेडी हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अब इसे हम इस डब्बे में भर कर रख देती हूँ, सभी अचार को हमने इस डब्बे में भर लिया है, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से भरे हुए हैं, बहुत अच्छा से देखिए मसाला लगा हुआ है, इसे भी हम आँच पर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर से। ऐसे ही आप लोग इस तरह से अचार बनाकर डब्बे में भर कर रख सकते हैं स्टोर करके, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। तो सभी अचार को हमने इस डब्बे में भर कर रख दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा हमारा अचार बनकर तैयार होगा। इस तरह से आप लोग बनाकर खाइएगा,
और ये ख़राब नहीं होगा दोस्तों, साल दो साल तक इस तरह से बना कर रह सकते हैं, खा सकते हैं इसे, जब चाहे जब मन कहे तब आप इसे खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, पूरी से भी खा सकते हैं, पराठा के साथ भी खा सकते हैं, अब जिससे मन कहे उससे खा सकते हैं दोस्तों, मन कहे तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा मीठा तीखा अचार बना हुआ है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है, ये खट्टा मीठा तीखा रहता है, आप इस तरह से अचार बना कर रख सकते हैं, स्टोर करके, साल दो साल ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं इस तरह से बना के रखी हूँ दोस्तों, ख़राब नहीं हुआ है, हमेशा हम बनाते हैं इस तरह से, आप लोगों के साथ आज बना के शेयर की है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाए थे आम का खट्टा मीठा तीखा अचार। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।